छोटे बच्चे का पेट थोड़े फूले हुए से दिखते हैं। वे उनकी सांस लेने की प्रक्रिया और ऊर्जा के भंडार के कारण होता है। यही सही तरीका है सांस लेने का। याद रखो कि छाती का अधिक उपयोग ना करो। कभी कभी इसका उपयोग किया जा सकता है आपातकालीन स्थितियों में। तुम अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हो, तब छाती का उपयोग किया जा सकता है। तब तुम उथली तेज सांस ले सकते हो और दौड़ सकते हो, लेकिन सामान्यतः छाती का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और एक बात याद रखनी चाहिए, छाती का उपयोग केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में प्राकृतिक रूप से सांस लेना मुश्किल है। क्योंकि यदि तुम प्राकृतिक रूप से सांस लेते हो तो तुम इतने शांत और निर्विकार हो जाओगे कि तुम दौड़ नहीं सकते, तुम लड़ नहीं सकते। तुम इतने शांत और संग्रहित होते हो कि तुम्हारी बुद्ध की स्थिति हो जाती है, जैसे कि तुम ध्यान में हो। और आपातकाल में, जैसे घर में आग लगी हो, यदि तुम प्राकृतिक रूप से सांस लेते हो तो तुम कुछ भी बचा नहीं पाओगे, तुम खुद की रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रकृति ने एक इमरजेंसी डिवाइस, या कहें आपातकालीन उपकरण दिया है। छाती एक आपातकालीन उपकरण है। जब एक शेर तुम पर हमला करता है, तुम्हें प्राकृतिक सांस लेने को छोड़ना पड़ता है और तुम्हें छाती से सांस लेनी पड़ती है, तब तुम्हारे पास दौड़ने, लड़ने, तेजी से ऊर्जा जलाने की अधिक क्षमता होती है। और इमरजेंसी की स्थिति में केवल दो विकल्प होते हैं, फ्लाइट और फाइट, या तो लड़ो या भागो। दोनों के लिए एक बहुत ही उथली लेकिन तीव्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उथली लेकिन एक बहुत ही व्याकुल तनावपूर्ण स्थिति। अब यदि तुम लगातार छाती से सांस लेते हो तो तुम्हारे मन में तनाव होगा। यदि तुम लगातार छाती से सांस लेते हो तो तुम हमेशा डरे रहोगे, क्योंकि छाती से सांस लेना केवल इमरजेंसी स्थितियों में होना चाहिए। और यदि तुम्हें इसे एक आदत बना लिया है तो तुम हमेशा डरे, तनावग्रस्त, हमेशा भाग रहे होगे। दुश्मन वहां नहीं है, लेकिन तुम कल्पना करोगे कि दुश्मन वहां है। ये एक प्रेरणा, एक मानसिक डर की स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। एक सम्यक सांस लेने के माध्यम से हम अपने आप में शांति और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं और जीवन की गहराइयों को अनुभव कर सकते हैं। प्रणाम।